एक वीडियो से पहाड़ी लड़के ने जापान को हिला डाला, ऐसा झुलाया कि जापानी कलाकार भाग आया। रस्सियों के सहारे इस खेल को जापान में दिखाएगा, उत्तराखंड के लड़के के कमाल को वहां बताएगा। उधम सिंह नगर के यूट्यूबर के डेंजर झूले का चढ़ा खुमार, वीडियो पहुंच गया सात समंदर पार। टीवी के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में आपने जोखिम भरे स्टंट देखे होंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से गांव में यूट्यूबर ने नहर को ही अपने स्टंट का जरिया बना लिया। उसने पहले पेड़ में रस्सी डालकर खुद स्टंट किए और फिर परिवार और आस पड़ोस के बच्चों को भी करतब सिखा डाले। पूरा खेल रस्सियों के सहारे था, लेकिन ये रस्सियों का बंधन जापान तक जुड़ने वाला था। कहते हैं ना कि कब किसका समय लौटाए किसी को खबर नहीं, कभी भी किसी का दिन लौट सकता है। रातों रात इंसान को स्टार बना दिया जाता है, कुछ ऐसा हुआ है उत्तराखंड के इस लड़के के साथ, जिसके एक वीडियो ने सात समंदर पार तक को हिला दिया। बस एक वीडियो का खेल और स्टार बने पहाड़ी लड़के की खूब तारीफ हो रही है, क्योंकि उसने सिर्फ भारत के लोगों को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि दुनिया के लोगों को भी प्रभावित किया है। वो ऐसा करतब है जिसके गुर सीखने के लिए, जिससे मिलने के लिए लोग भागे चले आ रहे हैं। उत्तराखंड में वैसे भी हुनर की कमी नहीं है, हर क्षेत्र में एक हुनरबाज निकलता ही रहता है। इस वीडियो में भी एक हुनर है जिसकी तारीफ अब जापान कर रहा है। उत्तराखंड के इस लड़के के खेल को जापानी कलाकार देखता ही रह गया। जापानी कलाकार ने पहले वीडियो के जरिए सीखने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि करीब से वीडियो होने के चलते जापानी कलाकार को समझ नहीं आया तो भारत आने का मूड बना लिया। पहाड़ी लड़के की कामयाबी को देखने के लिए जापानी कलाकार ने मेल के जरिए संपर्क किया और कोशिश किया कि क्यों ना हम भारत जाकर इस खेल को देखें और इसके बारे में सीखें। ये है उधम सिंह नगर का यूट्यूबर रवि सिंह। रवि सिंह ने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया, जिसे बनाए हुए सिर्फ 5 से 6 महीने ही हुए थे। इस बीच रवि सिंह ने अपने वीडियो में एक खेल को शूट किया, रस्सियों के सहारे करीब 10 लोगों के साथ झूला बनाया, राउंड राउंड इस झूले को झूलने का वीडियो भी शूट किया। ये वीडियो इतना वायरल हो गया कि जापान तक पहुंच गया। फिर क्या था, जापान के कलाकार जो फिल्में बनाते हैं, ऐसे खेल को बनाते हैं, उनको ये वीडियो पसंद आ गया और रवि सिंह से मिलने की इच्छा जताई। फिर क्या था, रवि सिंह ने मिलने के लिए हाँ कर दिया। करीब 6 लोगों के साथ कैमरे से लैस जापानी कलाकार भारत आ गया और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जा पहुंचा। नगर से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित अपर बैगुल नहर किनारे से ग्राम कोटा फार्म निवासी किसान सुरेंद्र सिंह का 22 साल का बेटा रवि सिंह सिसोना गांव स्थित राजकीय महाविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। रवि सिंह ने आरबी नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है। उसने अपर बैगुल नहर के ऊपर स्थित पेड़ की टहनी पर 10 रस्सियों से बनाए डेंजर झूले पर खुद और अन्य बच्चों के साथ रस्सियों के बल पर करतब दिखाते हुए वीडियो बनाया। ये वीडियो वायरल हुआ और वीडियो को इतिक्यू नाम के कलाकार ने जापान में देखा। उन्होंने रवि से ईमेल के जरिए संपर्क साधा। इसके बाद 31 अक्टूबर को इतिक्यू अपने 6 साथियों के साथ सितारगंज आकर रवि से मिले। पूरी टीम ने झूले का अनुभव लिया। क्रिकेट और वॉलीबॉल के शौकीन रवि ने बताया कि जापान की टीम ने उन्हें दोबारा आने का वादा किया है। जापानी कलाकार इतिक्यू के पहुंचने पर गांव के लोग भी पहुंचने लगे और कलाकार को देखने के लिए भीड़ लग गई। इस खेल को इतिक्यू जापान में दिखाना चाहते हैं।